प्रज्ञान चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव के इलाके में जाएगा जहां अब तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा है। रूस, अमेरिका और चीन चांद पर उतर चुके हैं, लेकिन उन्होंने चांद के उत्तरी ध्रुव में अपने यान को उतारा था। इस प्रक्रिया को सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। सुबह 1:30 बजे से 1:40 मिनट तक चंद्रयान 2 का विक्रम लैंड चांद के सबसे नजदीक कक्षा में चक्कर काट रहा है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर 35 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना शुरू करेगा, तब इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। सुबह 1:55 विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद दो क्रेटर मेंजिनस सी और सिंपेलियस एन के बीच मौजूद मैदान में उतरेगा। करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह पर उतरेगा। इस दौरान कुल 15 मिनट का समय लगेगा। सुबह 3:55 चांद पर लैंडिंग के वक्त करीब 2 घंटे के बाद विक्रम लैंडर का रैंप खुलेगा। इसी के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर उतरेगा। सुबह 5:05 प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलेगा। सोलर पैनल के जरिए वो ऊर्जा हासिल करेगा। सुबह 5:10 प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलना शुरू करेगा। रोवर के चंद्रमा पर उतरते ही वो लैंडर और लैंडर रोवर की सेल्फी लेगा, जो उसी दिन 11 बजे के आसपास उपलब्ध होगी। वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह पर 14 दिनों तक यात्रा करेगा। इस दौरान वो 500 मीटर की दूरी तय करेगा। तो दिल थाम लीजिए, आज पूरा हिंदुस्तान जागेगा चांद के दीदार के लिए, चांद 2 की सफलता के इतिहास का साक्षी बनने के लिए।